यू, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। आज मैं दाल बना रही हूँ, मिक्स दाल। आई थॉट टू शेयर इट विद यू। ये मैंने, ये जो दाल है यार, ये मैं सबके लिए बना रही हूँ, इट इज़ नॉट फॉर मी ओनली। मैं जो अपने लिए बना रही हूँ वो ये देखें ज़रा, आपको नज़र आ रही होगी। मैंने बाउल में बॉयल की पहले दाल और अपने लिए 6-7 चम्मच निकाली। मेरा थोड़ा सा सांस बढ़ रहा है क्योंकि मैं एक्सरसाइज करके आई हूँ इस वजह से, सो इग्नोर दैट। वन एक्सरसाइज है जो कि आपके थाइस, बेली, आर्म्स, एवरीवेयर, यानी कि एवरीवेयर ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी आपके इफेक्ट करती है। मैं वो बस कर लेती हूँ 200 टाइम्स और उसके बाद गुड टू गो फॉर ऑल डे। पूरा दिन आप ऐशी करें, खाएं पिएं, मतलब फिर आपका खाएं पिएं, सीजनल फ्रूट्स खाते रहें तो प्रॉब्लम नहीं आता, वेट आपका अपने हिसाब में ही रहता। सो ये मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी सी इसमें मैंने मिर्ची, इसको गला मिर्चें कहते हैं, ये डाल दी। जल्दी से इसको ऊंचा करते हैं फ्लेम ताकि मिक्स हो जाए, तो फिर हम इसमें दाल डाल देंगे। अच्छा, मैं आपको साथ से बताती चाहूँ कि ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो कैल्सी है इसमें आपको पता है, आपको विटामिन डी भी मिल जाता है, विटामिन सी भी मिल जाता है, B4 भी मिलता है, B6 भी मिलता है और D3 भी मिलता है कैल्शियम के साथ। तो डबल कैल्शियम है 11 फ्लेवर में। ये आप ज़रूर यूज़ करें पर डे वन, ये बहुत ज़बरदस्त और इफेक्टिव होती है। छोटी लेना चाहें तो छोटी ले लें, बड़ी लेना चाहें तो बड़ी ले लें, इट्स अप टू यू। लेकिन ये ज़रूर एक दिन में एक खानी चाहिए पानी में घोल के। लेडीज़ को आई एम श्योर ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हर टाइम इग्नोर ही करती हैं वो। अच्छा, आपको मैं बताऊँ, मैंने जो कि दाल चावल बनाने, तो ये मैंने पानी जो था ना दाल का बॉयल करने का, ये फेंका थी, क्योंकि दाल मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके तो बॉयल की थी, इसलिए मैं इसके समेत इसको डाल दूँगी इसके अंदर। अपने लिए मैंने सूप निकाल दिया था अलग से दाल का, वो मैं रात को डिनर में यूज़ कर लूँगी। अब इसको बॉयल आने तक रहने देते हैं, तब तक हम जल्दी से अपने साथ से बर्तन वॉश कर लेती हूँ मैं, और साथ से मैं आपसे थोड़ी बातें कर लेती हूँ इम्पॉर्टेंट, जो कुछ बातें मैंने आपसे करनी थी काफ़ी दिनों से, मैं सोच रही थी कि मैं आपसे करूँ। लेट्स स्टार्ट द क्लीनिंग ऑफ द बर्तन एज वेल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कितने बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सिर्फ अभी सुबह के ही हैं। ये जो डाइट प्लान्स होते हैं ये कोई इतना आसान थोड़ी ना, इनको फॉलो करना इट्स वेरी टफ। यानी कि आपको अच्छे खासे बर्तन धोने पड़ेंगे, ये बात माइंड में रखिएगा, अच्छे खासे बर्तन, थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे, ठीक है। अच्छा, कुछ व्यूअर्स ने मुझे क्वेश्चन किया था कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा भी बताएं जिससे अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में जो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाएं, तो हमारी वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं, मतलब कोई एक स्पेसिफिक, जिस तरह कहते हैं ना कोई ख्वाहिश होना या कुछ। अच्छा, मैं आपको व्यूअर्स अपना ज़ाती तजुर्बा बताऊँगी कि आप लोगों को बहुत अजीब लगेगा सुन के, लेकिन इतना रेयर एक्सपीरियंस है कि मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती। अभी तक मैं ये वजीफ़ा कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं जब तक जिंदा हूँ ये वजीफ़ा मैं करती ही रहूँगी, क्योंकि एवरी टाइम जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसी वजीफे को करती हूँ। अच्छा, लंबा है, थोड़ा मुश्किल भी है शायद, लेकिन इसमें एक हाशिम प्लीज़ स्लो डाउन द वॉल्यूम। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि कोई स्पेसिफिक टाइम है जिसके अंदर अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी आप लोग कहने की वजीफे में हमें ये मिल जाती है। अच्छा, वजीफा बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आप दिन में एक रूटीन बना लें और एक नीयत करके इसको शुरू करें कि मैंने इसको कंप्लीट करना है। क्योंकि मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आप जब ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, जब नीयत करेंगे कि ये मेरा काम हो जाए, अलमिया मेरे बहुत मुश्किल काम इसकी वजह से हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है। तो अगर आप ये नीयत करके वजीफा शुरू करेंगे, अगर उसको आप याद रखिएगा, आपका मेरे ख्याल में 3000 टाइम्स से 3000 दफ़ा ही आप इसको कम्प्लीट करेंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। मेरा मतलब है हो जाएगा, अब ये बस समझिएगा होने लगेगा, हो चुका होगा, मतलब यू आर डन विद इट, यू आर गुड टू गो टू लाइफ, ठीक है। लेकिन आपने प्लीज़ ये चीज़ याद रखनी है कि आपका काम तो जल्दी हो ही जाएगा नियत करने के बाद और इसको शुरू करने के बाद, और 3000 दफ़ा ही आप करेंगे तो हो जाएगा।
लेकिन मेक श्योर कि आपने ये पूरा ज़रूर करना है। टाइम लिमिट इसकी कोई नहीं है, देर इज़ नो टाइम लिमिट, इस टाइम के अंदर अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है, लेकिन कंप्लीट ज़रूर करना है, ये एक रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट को आप वो नहीं कर सकते, नेग्लिजेंस के करिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको वजीफे के बारे में डिटेल से बता देती हूँ, प्लीज़ बहुत से सुनिएगा। अव्वल जो आखिर दूसरी पढ़ लिया करें, जब भी इसको शुरू करने लगे, तस्वीर मैंने एक छोटा सा अपने पास एक काउंटर रखा हुआ, उस काउंटर के ऊपर मैं पढ़ती हूँ वैसे नॉर्मली, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उस पर काउंटर रहती है। मैं अगर अपने काम करके उसको छोड़ भी देती हूँ दरमियान में तो वो चलता रहता है, मतलब उसके ऊपर काउंटिंग सेफ रहती है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, वजीफा ये है कि आपने अव्वल वाक़ई दूसरी रोज़ पढ़ना है, और जब भी आप इसको शुरू करने लगे एक ही दफ़ा पढ़ना है कलमा में, और आपने पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, प्लीज प्रॉपर पूरा पहला कलमा जो है वो आपने पढ़ना है सवा लाख दफ़ा। कितनी दफ़ा पढ़ना है? सवा लाख दफ़ा, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल आपका काम है, वो आपका काम बन जाएगा, और इंशाल्लाह दुआएं देंगे, और आप अपने सामने काम होते हुए देखेंगे कि इतनी जल्दी ये वाला काम हो कैसे गया, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता था। ये मेरी ज़ाती वजीफे रूटीन में से एक सबसे बेहतरीन रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अपना काउंटर भी दिखाती हूँ यहाँ से फ्री होके। अच्छा, मैं अपनी वीडियो पे ना कोई वो नहीं लगाती हूँ फ़िल्टर वगैरह, दो मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर के कामों में, और मैं बहुत आराम से वॉइस फ़िल्टर और ये सब फ़िल्टर वगैरह कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है ये, इट्स वेरी सिंपल फॉर मी, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी एजुकेटेड। देखिए, मैं इसको कभी भी नॉर्मली अप्लाई नहीं करती। ये देखिए, हमारा जो दाल चावल है वो भी अच्छे से ऑलमोस्ट बन गए हैं, थोड़ा सा चूल्हा आहिस्ता कर देती हूँ और ये अच्छा बन जाएगा। तो फिल्टर ना लगाने का मकसद ये है कि मैं आई बिलीव इन ओरिजिनल लाइफ, आई बिलीव इन ओरिजिनल लाइफ, कि आपकी जो ओरिजिनल लाइफ होती है, जो ओरिजिनलिटी होती है, उसके ऊपर आपने फोकस रखना है। दिखावे पे आई डोंट बिलीव, हालांकि आजकल आपको पता है हर जगह दिखावा ही चल रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं, आई बिलीव ऑन ओरिजिनलिटी ऑफ द पर्सनालिटी। तो आप भी कोशिश करें, कोई मुनाफ़त, कोई ऐसी चीज़ लाइफ में ना करें जिससे शो हो कि यू आर नॉट ओरिजिनल, ठीक है। ऐसे तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि आप सर्च करें कि आप ओरिजिनल पर्सनैलिटी के हैं या नहीं हैं, क्योंकि आई डैम केयर अबाउट देम, आपको खुद पता होता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर हैविंग, ओके। सो गाइस, एक तो मैंने आपको वजीफे के बारे में बहुत डिटेल आज बता दिया, प्लीज़ आप एक बार कोशिश ज़रूर करें, इसकी फिक्र से मत जाइएगा। जब आपका कुछ बहुत मुश्किल काम हो, जिस तरह खुदा ना खौफ़ आपका घर जो है वो डेंजर जोन में है, या आपके घर में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम खुदा ना खौफ़ आ गया है कि जिससे आप निकल नहीं पा रहे किसी सूरत, तो आप ये मेहनत ज़रूर करें, ये डेढ़ लाख दफ़ा पढ़ें और उसके बाद नियत करें, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके घर को महफूज भी करेगा और आपके बच्चों की भी हिफाजत फरमाएगा, और जो नियत आपने की होगी वो कम्प्लीट होगी। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपको ये कम्प्लीट करना है। देखिए, आपको जब रिजल्ट मिल जाएंगे ना, लाइक आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप 3000 दफ़ा ही पूरा करेंगी तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरे श्योर कि आपने रिजल्ट मिलने के बाद जो बिल्कुल पूरा आपकी जो मन्नत है वो पूरी होने के बाद आपने इसको छोड़ना नहीं है, इधर ले आएंगे, आपने इसको कम्प्लीट करना है, ठीक है। सो कम्प्लीट करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने अपने बर्तन भी धो लिए हैं, एक्चुअली मैं आफ्टरनून जॉब करती हूँ, सो मैं अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन मैंने करनी है, और जॉब पे जाने से पहले मैं अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह बना के जाती हूँ अपने लिए। आजकल मैं डाइटिंग पर हूँ, जो खाना मैं दिन को अपने लिए बना के जाऊँगी ना, वो मैं शाम को यूज़ करूँगी आके, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट इन द
इन द मिडल, लाइक लंच में मैं लंच ब्रंच नहीं करती, मैं सीधा सीधा शाम को आके इवनिंग स्नैक लेती हूँ. इवनिंग स्नैक कैन बी सूप, कैन बी योगर्ट विद ब्लैक पेपर एंड रॉक सॉल्ट, एंड कैन बी प्लीज गेट साइड, एंड कैन बी एनी स्मॉलर वन एल्स. लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात का जो खाना है ना वो 8-1 बजे से पहले पहले खा लूँ. समहाउ हम लोग रात को अगर लेट सोएं या कोई ऐसा लाइक अगले दिन कोई वीकेंड है तो फिर ये होता है कि अक्सर रह जाता है. लेकिन मैं नॉर्मली कोशिश ये करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी खा लूँ रात का खाना, क्योंकि आपको भी पता है कि रात को जितना जल्दी खाने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स नहीं होते. ठीक है, अच्छा कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी कि हमें रात को जल्दी खाने की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि हम सो नहीं पाते, क्योंकि हमें ना फिर वो रात को मतलब नींद में भूख लग जाती है. इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बहुत सुनने में आती हैं. तो उसके लिए इलाज किस चीज़ का है जो नहीं है, एवरी थिंग हैज़ अ क्योर. उसका भी मैं आपको इलाज बताती हूँ. आपने ड्राई फ्रूट अपने पास रखना है और मेक श्योर के जो भी ड्राई फ्रूट आप लें वो ड्राई फ्रूट क्वांटिटी अपने पास आपकी हो. अच्छा मैं आपको ये बॉटल शो करती हूँ, लुक एट हियर. ये छोटी सी बॉटल है, इतनी बॉटल अगर पूरे दिन में आप यूज़ करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, इसमें देखिए चना है, काजू है और एलमंड भी है. समहाउ मैं डिफरेंट फ्रूट्स बॉलेंस भी रख लेती हूँ. सो इसमें आपको ये होगा कि मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है तो मुझे कह रहा है कि मम्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप किचन में कैसे काम करती हैं, इट्स रियली हॉट नाउ. आई थिंक ही कैन फील द पेन ऑफ माइंड कि किचन में काम करना इज़ टू मच टफ. ये मैंने उसके लिए बना दिया है और बच्चों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात ओके मैं उनके लिए चीज़ें सारी बना के चली जाऊँ. लाइक मैं दिन को उनके लिए शरबत वगैरह भी बना देती हूँ. कोशिश यही करती हूँ कि सब चीज़ें उनके लिए रेडी हों ताकि वो जब उठें उनका काम करके, या दिन को उसका मम्मी मौजूद नहीं है, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं जॉब पर जाती हूँ दिन को, सो उनको हर चीज़ रेडीमेड उनके उसमें मिल जाए, फ्रिज में मिल जाए ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो. जस्ट आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड मदर, आई एम नॉट दैट मच गुड बट आई एम ट्राइंग टू बी. बिल्कुल ओरिजिनल फैक्ट्स आपको बताई जा रही हूँ मैं, कोई ऐसी इसमें मैंने फिल्टर ऐड नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ एडिड नहीं है कि जिसमें आपको हो कि मैं मतलब एडिशनली कोई चीज़ कर रही हूँ. मैं आपके सामने वही सब कर रही हूँ जो मैं डेली करती हूँ, आपको इसे बता रही हूँ ताकि मूव है. सो बच्चों के लिए शरबत भी रेडी कर दिया. अच्छा जब मैंने शरबत पीना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें शुगर ना डालूँ, जैगरी यूज़ कर लूँ. ये देखिए जैगरी मेरी एंड होने वाली है, मैं आपको दिखाती हूँ. ये बॉटल मैंने भर के रखी होती है जैगरी के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए अलग से होती है. तो हम ये भी अच्छा साथ साथ मेरा छोटा बेटा भी अब्बास, ही इज़ अब्बास एंड ही इज़ हेयर फॉर मम्मी गिव मी समथिंग फॉर योर हैवी. तो मैं यस एम बेटी गिविंग यू आई एम गिविंग यू जस्ट अ मोमेंट. मैं इसको साथ साथ इसके इसको भी डाल के दे देती हूँ फ्रीजर में ताकि ये भी पीता रहे और मैं भी अपना काम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ और आई हैव टू गो. चलें जी ये चला गया. इसमें थोड़ा सा और एडिशन कर लेते हैं वाटर का और थोड़ा सा और जमशीरी डाल देते हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इन्हांस हो जाए. एक बहुत अच्छा तरीका है चीनी को मेल्ट करने का भी मैंने वो यूँ कह लीजिए बिल्कुल याद किया है. मैं गर्म पानी में चीनी डाल देती हूँ मॉर्निंग में ही या रात को ही, और फिर सुबह जो है ना मुझे जब मैं पहले ही से वो मेल्टेड होती है तो मुझे बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बड़ा जल्दी जल्दी क्विक फास्ट रूल के तहत ये बन जाता है. तो इधर देती हूँ, जो काम भी करना है वह साथ साथ करना है ताकि सारे काम साथ साथ कम्प्लीट हो जाए और हम जो हैं वो मैं जल्दी से इनके लिए उसके बाद रोटी बना दूंगी और रोटी खाने के बना के जिसमें रख देती हूँ
खाना इन्होंने अपनी मर्ज़ी से होता है, नमाज़ पढ़ते हैं थोड़े से कोई, क्योंकि आजकल छुट्टियां आपको पता है घर में ही होते हैं बच्चे, तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं खेल कूद में बिज़ी होते हैं, लेकिन इनका माशाल्लाह कैजुअल है, नमाज़ पढ़नी है, स्कूल का काम कंप्लीट करना है। मेरे लिए आजकल नलका मेरा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है इसका, मैंने अपने हस्बैंड को 2-3 दफ़ा बोला है, लेट्स सी बताओ इसको ठीक करवाएंगे, इनफैक्ट को करवाएंगे नहीं, वो खुद ही करेंगे। अच्छा, इस सब काम में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, मैं तो अपने मैं ये करने से पहले आपको दिखा दूँ कि मैं साथ से अपने फेस पे ये भी अप्लाई कर लगी, मर्द मास्क, ये सही जनी का मर्द मास्क है, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि मेरी ऑफिस जाने से पहले की रूटीन ये देखें, ये मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, यहीं पर भी फोकस है, आई अप्लाई दे रहा हूँ, ओके, ये मैं साथ से अप्लाई कर लेती हूँ और जब तक मैं जाऊँगी ड्राई हो जाएगा, और इतना अप्लाई नहीं करूँगी कि आपसे बात ना कर सकूँ, जो मैं आपसे बात कर सकूँगी इन शाह। तो इसमें ये होगा कि जो सन टैनिंग है और जो भी एरिया बहुत ही डर्टी स्किन का हो जाता है, सारी डेड स्किन जो है वो निकल जाएगी और स्किन जो है वो फ्रेश रहेगी। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप किचन में काम करते करते ना साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी क्लोज इट नाउ, ये टिप थी जो मैंने आपको दी, लेट मी ड्राई माई हैंड्स नाउ, आई गो टू मेक रोटी। बच्चों के लिए मैं 2 रोटियां बना के रख जाऊंगी, कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी बना लूँ क्योंकि टाइम इज गोइंग टू बी एंड, और बस ये खाना बना के मैं इनके लिए रेडी कर दूँगी। छोटे छोटे मैंने 2 बॉल्स बना दी हैं, अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं कि बच्चों की ना फेवरेट चीज़ पूछ लिया करें ताकि वो रोज़ का ना जो भी खाना होता है वो शौक से खा लिया करें, पीछे थोड़ा सा पीछे, तो अगर बच्चे शौक से खाएंगे तो ज़रा वो हेल्थ को भी ठीक से लगेगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं क्योंकि वो बॉडी को इतना सपोर्टिव नहीं होता बॉडी के लिए। ठीक हो गया जी, अच्छा कवर है, अच्छा मैंने आपको दिखा दी थी अपनी जो दाल जो मैंने बनाई है अपने लिए, फोकस दे रहा हूँ ओके, नहीं सो अभी थोड़ी सी जल्दी भी है, आई हैव ओनली 20 मिनट्स टू गो टू प्रिपेयर माई सेल्फ, हाँ बिकॉज मुझे गाड़ी पिक करने आ जाएगी और फिर मुझे जाना है, सो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना लूँ, शायद मेरी रोटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, सो सॉरी फॉर दैट, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं खा पी लेंगे। अच्छा मैं दिन को मैं कौन चीज़ आपको बताती चलूँ कि मैं दिन को लंच वगैरह नहीं करती ना, सिर्फ मैंने ब्रेकफास्ट किया 12 बजे, यू कैन से इंटरमीडिएट फास्टिंग तो नहीं केयर करती ना, लेकिन मैं लेट करती हूँ ब्रेकफास्ट, ऐसे भी छुट्टियाँ हैं तो आप सो के भी अपना टाइम पूरा कर सकते हैं, लेकिन मैं मॉर्निंग में ना किशमिश का पानी पीती हूँ, रीजन्स वाटर जिसको कहते हैं, उसका भी तरीका मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊँगी, वो बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, स्पेशली जिनकी स्किन फार्मूला क्रीम लगाने से ख़राब और डैमेज हो चुकी है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मस्ट गो राइट। तो मैं यही वाली बॉटल जो मैंने आपको शो की थी ना यही मैं अपने साथ ले जाऊंगी जॉब पे, सो इससे ये होगा कि मैं फुल रहूँगी, वहाँ मैं 1 कप 1 कप ऑफ टी मेरा जैगरी पीऊँगी, आपको पता है जैगरी के साथ ये होगा कि मेरी कैलरी डेफिशिएट नहीं रहेंगी, मेरी कैलरीज इंक्रीज नहीं होंगी, शाम में मैं फिर आके सूप ले लूँगी दाल का या फिर मैं योगर्ट में ब्लैक पेपर डाल के या रॉक सॉल्ट डाल के खा लूँगी, तकरीबन 6 से 7 चम्मच, ये मेरा इवनिंग स्नैक हो जाएगा, या हो सकता है मैं आपके, ये डिपेंड करता है कि आपका रोज़ का मूड क्या है, ये बहुत डिपेंड करती है चीज़ें कि आपका मूड क्या है, क्योंकि शाम को मुझे नहीं पता होता कि आज शाम को मेरा क्या मूड है, जस्ट टू से सम टाइम। सो व्यूअर्स, मैंने आपको आज अपने ब्लॉग में जो जितनी इंपॉर्टेंट बातें मैं आज बता सकती थी मैंने आपको बताई हैं, वजीफे का जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर कोशिश करना टू डू इट, बिकॉज आजकल आपको पता है महंगाई है, प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आपको कोई बड़ा प्रॉब्लम है, प्लीज़ बड़ा प्रॉब्लम मैं कंसीडर कर रही हूँ आपको बार बार, जिसको आपको लगता है नामुमकिन है किसी भी तरह होना, उस वजीफा बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ज़रूरी है, दैट वुड बी वन ना, इट वुड बी इन चंक्स, that would be one combined one, okay, so
आज मेरे बेटे को बहुत अच्छे से रियलाइज़ भी हो गया इसके साथ कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है किचन में, एंड दैट्स अ गुड वन. सो व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, एंड अगर कोई सजेशन है या और कोई चीज़ जो आप जानना चाहते हैं तो मस्ट लेट मी नो. जल्दी है तो इसलिए मैं तवे के ऊपर नहीं सेकूँगी, मैं अब इसी तरह से रोटी बनाऊँगी. आज बहुत जल्दी है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. डू सब्सक्राइब माई चैनल. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नए व्लॉग के साथ. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.